नमस्कार आदाब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में टाइम्स टुडे दरभंगा में। टाइम्स टुडे दरभंगा का खास कार्यक्रम शिक्षा संवाद में हमारे स्पॉन्सर है, सपोर्टर है मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट, एमएस ग्राफिक्स, एक्सीलेंट बायोलॉजी दरभंगा। इनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने शिक्षा संवाद कार्यक्रम में अपना सपोर्ट दिया है। आइए हम अपने मेहमान से आपको परिचय करवाते हैं। मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के डायरेक्टर अधिवक्ता शाहिद अथर हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा संवाद पर बात करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर अधिवक्ता शाहिद अथर के बारे में। ये विदेश रिटर्न है, विदेश से लौटकर इन्होंने अपने देश में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए और शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के तरह, एक शिक्षक के तरह, एक अधिवक्ता के तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस लगातार पैरा मेडिकल के क्षेत्र में एक अहम योगदान दे रहा है। मिथिला में इकलौता और अच्छा सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट में से एक है। बच्चे पैरा मेडिकल के भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए मैं आज डायरेक्टर साहब को यहां बुलाया हूं और इनसे मैं बात करूंगा कि मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस आखिर क्यों है खास। बच्चे 12th के बाद मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के माध्यम से अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज है, इन सब चीजों से मैं बात करूंगा। सर, सबसे पहले मैं बोलूंगा शिक्षा संवाद कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है, जिसमें आपने स्पॉन्सर भी किया है, उसके लिए टाइम्स टुडे दरभंगा आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है इस चीज को, ताकि जो आगामी बच्चे 12th का एग्जाम दे करके और इस चीज से बेनिफिट ले सके। हमारा मकसद यही था इस कार्यक्रम का करने का, ताकि दूर दराज के जो बच्चे हैं उनको पता चल सके कि पैरा मेडिकल के क्षेत्र में भी एक सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है दरभंगा में, और जो लगातार पैरा मेडिकल के क्षेत्र में अहम योगदान देते हुए आ रहा है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा सर कि मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस आखिर बच्चों के लिए कितना बेनिफिट है। उससे सबसे पहले मैं टाइम्स टुडे दरभंगा के एडिटर इन चीफ मोहम्मद शकील अहमद साहब को बुलाना चाहूंगा और मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के डायरेक्टर अधिवक्ता शाहिद अथर का सम्मान करवाना चाहूंगा उनके हाथों। हमारे मिथिला के परंपरा के अनुसार हमारे जो भी अतिथि होते हैं उनको पाग चादर से सम्मानित किया जाता है। हमारे एडिटर इन चीफ मोहम्मद शकील अहमद अधिवक्ता शाहिद अथर साहब को सम्मानित कर रहे हैं तथा उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है अपने संस्थान में, ताकि उन्होंने जो योगदान दिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में उनसे रिलेटेड। इसको यहाँ लगा दीजिए, इसको यहाँ लगा दीजिए सर्टिफिकेट को, हो जाए। तो सम्मान जो होना था, मिथिला में कहा जाता है हमारे जो भी अतिथि आते हैं उनका पाक चादर से सम्मान किया जाता है, वह सम्मान हम कर चुके हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार पैरा मेडिकल, इसी सिलसिले में इनसे बात करूंगा। तो सर, बच्चे अगर 12th के बाद नीट निकाल लेते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, अगर नीट निकालने के बाद भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो MBBS में नहीं जा पाते हैं, तो पैरा मेडिकल के क्षेत्र में कौन सा ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से वो अपना क्षेत्र में अपना नाम, पहचान और कैरियर बना सकते हैं?
सबसे पहले तो हम इस 12th के पास के बच्चों के लिए जो आपने शिक्षा संवाद का कार्यक्रम स्टार्ट किया है, इसके लिए हम दैनिक टाइम्स टुडे 24/7 और आपका रवि जी का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है जो बच्चों को पता चल सके। जो सर आपका क्वेश्चन हुआ रवि जी के 12th के बाद नीट क्वालिफाई करने के बाद भी अगर नहीं कॉलेजेस मिलते हैं तो बच्चे पारा मेडिकल सर्टिफिकेट, और चूंकि मिथिला इंस्टीट्यूट का नाम है, मिथिला इंस्टीट्यूट में मैं एज ए डायरेक्टर हूँ, तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि मिथिला इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ पारा मेडिकल कोर्स ही नहीं होते हैं। मिथिला इंस्टीट्यूट में पारा मेडिकल कोर्स से जरूर शुरू किया गया था, लेकिन अभी इस वक्त हमारे यहाँ सेफ्टी का कोर्स होता है, जर्नलिज्म का भी कोर्स होता है और मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है। बिल्कुल, मिथिला इंस्टीट्यूट के अंदर बिहार सरकार के भी पारा मेडिकल के कोर्स होते हैं और UGC अप्रूव्ड कोर्सेज यूनिवर्सिटी से भी कराए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये है कि बिहार सरकार के जो कोर्स होते हैं वो हमारे यहाँ 2 ईयर्स का डिप्लोमा होता है, जो MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड DSS के कोर्सेज होते हैं। जो UGC अप्रूव्ड कोर्स है हमारे यहाँ वो पैरामेडिकल के अंदर 4 कोर्स होते हैं, 2 ईयर डिप्लोमा भी है और 3 ईयर डिग्री कोर्स भी है। 2 ईयर कोर्स जो हमारे यहाँ है MLT है, रेडियोलॉजी है, OT है, डायलिसिस है, उसी का 3 ईयर डिग्री कोर्स भी है। अब जो बच्चे को नीट क्वालिफाई कर लिए या फिर जिनके इकोनॉमिकल कंडीशंस जो वीक होते हैं और वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते, दोनों सूरत में वो बच्चे जो है हमारे पारा मेडिकल सेक्टर में नाम कमा सकते हैं, और जिनका साइंस फैक्टर ने फैकल्टी नहीं है वो बच्चे भी जो है अपनी फ्यूचर बना सकते हैं। हमारे यहाँ जो कोर्स होता है, आप देखेंगे जब इंटर पास करने के बाद 2 तरह का क्वालिफिकेशन होता है, जस्ट मैट्रिक के बाद ही, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आप जब एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप देखेंगे मैट्रिक, इंटर, BA, MA, PhD वगैरह की लाइन में चले जाते हैं। आफ्टर मैट्रिक इंटर भी बहुत सारे जो है 3rd ग्रेड के कोर्स जॉब होते हैं, SSC हैं, रेलवे हैं, बहुत सारे हैं, बैंकिंग वगैरह हैं। आफ्टर BPA ग्रेजुएशन आप BPSC में बैठ सकते हैं, UPSC में बैठ सकते हैं, बट ये सब लोगों के लिए नहीं है। ज़्यादा अभी जो सेक्टर में जो बच्चों का ध्यान जाता है वो मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाता है। तो जब आप मेडिकल इंजीनियरिंग तरफ जब जाना चाहते हो उसके लिए आपका साइंस होना जरूरी है, 12th पास होना था। इसके बाद आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ आप टर्न ले लेंगे। अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं और मेडिकल में सेक्टर में चले जाते हैं तो आप MBBS और MBBS करने के बाद बहुत सारे कोर्स करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो इंजीनियरिंग तक भी जाते हैं। लेकिन बहुत एक लंबी तादाद है, एक लंबी जो है वो पॉपुलेशन है जो नीट क्वालिफाई करके भी जो मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाते या फिर नीट क्वालिफाई नहीं करते हैं। वो बच्चे अगर चाहें तो डॉक्टर के साथ काम करके अपने फ्यूचर उस में बना सकते हैं और मेडिकल सेक्टर में काम कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक डॉक्टर के साथ आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि एक पेशेंट जो है काउंटर से स्टार्ट होता है, काउंटर के बाद वहाँ से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास डॉक्टर्स को जब आप अपनी बीमारी बताते हैं तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि आप जाइए टेस्ट कराने के लिए, आप जाइए एक्सरे कराने के लिए, आप जाइए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, आप जाइए MRI स्कैन कराने के लिए। जब आप जाते हैं फिर वहाँ से रिपोर्ट्स आते हैं तो ये सब सारी पढ़ाई होती है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ाई होती है, और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI स्कैन, CT स्कैन वगैरह जो है वो रेडियोलॉजी के अंदर पढ़ाई होती है। जब इनकी रिपोर्ट्स आती है तो फिर डॉक्टर के पास जब जाते हैं आप तो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स को देखता है, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट के देखने के बाद आपको बताता है कि अगर आपके पास आपको मेजर बीमारी हो गया, सपोज डेट ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, और इसके बाद जो है कि कैंसर हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारी जिसके लिए अंदर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ जाती है, तो जो ऑपरेशन होता है इसकी पढ़ाई हमारे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के अंदर होती है, जिसके भी हमारे पास डिप्लोमा डिग्री दोनों कोर्स होते हैं। इसके बाद बहुत सारे जो है वो किडनी फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आम बीमारी है किडनी फेल होने का जिसका डायलिसिस होता है, डायलिसिस वो डिपेंड करता है कि वो अल्टरनेट डे पे भी होता है, वीकली भी होता है, फोर्टनाइटली भी होता है, मंथली भी होता है, 3 मंथ भी होता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का कि वो सिस्टम बीमारी है, वो डॉक्टर जब डायग्नोस करता है तो पता चलता है। इन सब सारे चीज़ों की पढ़ाई होती है, और हमारे पास जो बिहार सरकार वाले भी कोर्स है और हमारे पास यूनिवर्सिटी ऐसे जो अप्रूव्ड UGC अप्रूव्ड यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल से जो अप्रूव्ड कोर्सेज होते हैं उनकी भी पढ़ाई होती है। हमारे हिसाब से आप कोर्स करके आप आराम से अच्छी सैलरी पाके और अच्छे जगह आप जॉब करते हैं। इसके लिए आपको शुरू में बहुत मेहनत करना पड़ेगा ड्यूरिंग द
एजुकेशन, जब आप 3 साल या 2 साल का कोर्स करते हैं ना, उसमें आपको काफी हार्ड लेबर करना होगा। देखिए बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे एडमिशन ले लिए, सर हमारे आज फादर के यहाँ ये हो गया, सर हमारे सिस्टर पे ये हो गया, सर हमारा वहां जा रहा है, तो वो क्लास को प्रॉपर वे में अटेंड नहीं करते हैं, वो महीना 2 महीना 3 महीना आते हैं, जब वो आए तो उनको क्या समझ में आएगा। तो ऐसे बच्चे ही कि जो वो अपने लाइफ के साथ फ्यूचर साथ खिलवाड़ करते हैं। हम उन बच्चों से कहना चाहते हैं, चाहे वो MBBS में जाए, चाहे वो मेडिकल में जाए, चाहे BPSC में जाए, चाहे UPSC में जाए, जिस फील्ड में भी जा रहे हैं, चाहे पारामेडिकल में जाए, सेफ्टी बट जब आप एडमिशन लेते हो, जिस दिन तक आपका रिजल्ट आउट नहीं होता, उस दिन तक जितने भी क्लास होते हैं, सारे क्लास को आप ज्वाइन करें, सारे क्लास को टाइमली पंक्चुअल समझ, जिस तरह से आपके लिए खाना जरूरी है, जिस तरह से आपके लिए सांस जरूरी है जिंदा रहने के लिए, उसी तरह से कोर्स में अच्छी नॉलेज लेने के लिए आपके लिए पूरी क्लास का अटेंड करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, मैं अपने दर्शकों को और जो बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी बातें सर ने बताया है कि आप अगर फ्यूचर में डॉक्टर नहीं बन सकते हैं तो डॉक्टर के साथ रह करके वो काम आप कर सकते हैं जो कि डॉक्टर को करवाना पड़ता है दूसरे के साथ में, तो बहुत अच्छी बात है। पैरामेडिकल के क्षेत्र में और सेफ्टी और जर्नलिज्म, जिस तरीके से मैं जर्नलिस्ट हूं रवि गुप्ता, उस तरीके से आप भी जर्नलिस्ट बन सकते हैं मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस कॉलेज में पढ़ करके। तो मैं बताना चाहूंगा शिक्षा संवाद कार्यक्रम का यही मकसद है कि नई नई बातों को चर्चा करना और बच्चों तक पहुंचाना। तो सर मैं बात करूंगा, आपने एक जिक्र किया था कि बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी कुछ कोर्सेज हैं, तो कौन कौन सा ऐसा कोर्स है सर? सर हमारे पास 3 कोर्स होता है रवि जी, एक डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है 2 ईयर्स का, दूसरा कोर्स है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थेरेपी टेक्नोलॉजी है 2 साल का, और एक ड्रेसर कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है 1 ईयर का जी। और हमारी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड से जो UGC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर जो कोर्स होता है, हमारे पास 4 कोर्स हमने आपको बताया, आप डिप्लोमा और डिग्री जो दोनों कोर्स, 2 ईयर डिप्लोमा और 3 ईयर डिग्री कोर्स जो होता है हमारे पास, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में होता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी है एंड रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। तो कहा जाए 1 रूफ के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस में। मीन्स क्या, आप अगर 1 साल की डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको इसी कॉलेज में आपको 3 इयर्स की डिग्री भी करवा दी जाएगी। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे मिथिला के लिए और मिथिला के जो छात्र हैं छात्राएं हैं, आप अपने करियर बनाने के लिए मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। और इस तरीके से जिस तरीके से समाज सेवी और अधिवक्ता शाहिद अथर के गाइडलाइन में अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मुकाम जरूर हासिल करेंगे, ये मेरी शुभकामना है आप लोगों से। और सर को मैं कहना चाहूंगा बहुत अच्छा कोर्स सर आप लेकर के आए दरभंगा। हम बताना चाहेंगे आपको जर्नलिज्म के बारे में भी कि हमारे यहाँ जर्नलिज्म का जो कोर्स होता है वो डिप्लोमा 1 ईयर का होता है और 3 ईयर का डिग्री कोर्स भी होता है। आप जर्नलिज्म से हैं जुड़े, आपको पता होगा कि आज जर्नलिज्म के ही माध्यम से यहाँ से बैठे हुए 50,000 किलोमीटर दूर पे अभी किस्मत क्या होता है वो आपके चैनल से, आपके इससे मीडिया के थ्रू पता चलता है। अब तो पहले तो प्रिंट मीडिया का जमाना था, लेकिन अब तो और जब वास्ट हुआ जमाना तो सोशल मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया कि इधर कुछ हो रहा और इधर आपको पता चल रहा है। पहले तो 10-10 दिन 5-5 दिन 4-4 दिन के बाद पता चलता था कि विदेश में क्या हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी पता चलता है। तो आप इसके सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है जॉब के लिए, और अभी तो बहुत, अगर अच्छा कोर्स कर लेते हो, अच्छी स्पीकिंग पावर आपके अंदर है, तो आप अपना खुद का पोर्टल बना दीजिए। जैसे आप अभी अपना न्यूज पोर्टल बना रखे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो वर्ल्ड में, बहुत सारे न्यूज पोर्टल हैं, तो दरभंगा ही में आप देख लें बहुत सारे न्यूज पोर्टल जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जितना डेडिकेशन करके काम करेंगे उतना ही आपको जो है व्यूवर्स मिलेंगे, उतना ही लाइकर्स मिलेंगे, उतने सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो इसके लिए भी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, हमने पहले बताया आपको, जितना आप जो भी कोर्स करते हैं उस कोर्स का जो ड्यूरेशन है उस पूरे ड्यूरेशन में सिर्फ ये टारगेट होना चाहिए कि हमें उस नंबर 1 पे पहुंचना है, जो हमारा टारगेट हो वो नंबर 1 का हो। जितने भी स्टूडेंट, अगर 50,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एट ए टाइम, तो 50,000 में नंबर 1 मेरा होना चाहिए, हम वो 2 पे नहीं आना चाहिए, तो ये टारगेट होना चाहिए। आपको बता रहे हैं हमारे पास जर्नलिज्म के बाद सेफ्टी कोर्स भी होता है जी, बिल्कुल। अभी सेफ्टी का आपके बारे में पता है कि जो एसेट्स को और ह्यूमन लाइफ को बचाना हर इंसान का, हर सरकार का, हर कंपनी की जो है वो प्रायोरिटी होती है जी, जी, तो उसके अंदर हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो सर्टिफिकेशन कोर्स है 6 महीने का, डिप्लोमा कोर्स 1 ईयर का है, PG डिप्लोमा कोर्स 1 ईयर का, एडवांस डिप्लोमा 1 ईयर का है। आप इससे कम से पैसे में, जिनके पास बहुत कम आर्थिक स्थिति बहुत खराब है,
अगर वो चाहे तो सेफ्टी कोर्स करके आप विदेश में भी और देश में भी अच्छी अच्छी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज के निकलते हैं, बहुत ज्यादा डिमांडेड है, आप वहां जॉब कर सकते हैं और अच्छी सैलरी पाकर आप अपनी फैमिली को, अपने समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, अपने बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं। इसके साथ हमारे यहाँ मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है, 2 ईयर्स का जो है वो MBA होता है और 3 ईयर्स का जो है BBA होता है, यानी 4 सेमेस्टर का MBA और 6 सेमेस्टर का BBA है। आप इसमें भी जो हमारे पास जो फैकल्टीज हैं, बहुत सारे फैकल्टी हैं, टोटल 26 फैकल्टी है, बट हम कुछ फैकल्टी का चर्चा करेंगे जो बहुत नाम है, जैसे फाइनेंस में है, HR मार्केटिंग होता है, उसके हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है, इन सब के जो है वो बहुत सारे डिमांड है। आप इन सेक्टर में भी कोर्स करके जो है इसके आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं और MBA करके जो है आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा स्कोप कर सकते हैं, अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर में, चूंकि आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट सेक्टर भी एक तरीके से प्राइवेट होते जा रहे हैं बिल्कुल, ऑलमोस्ट बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो प्राइवेट हो गए हैं, तो और प्राइवेट सेक्टर में जो है वो आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ये सारे जो हमारे पास ऐसे कोर्स है जहां पे ये है कि आप अच्छा अपना फील्ड में नाम कमा सकते हैं, समाज को दे सकते हैं और अपने फैमिली को दे सकते हैं। बिल्कुल सर ने बहुत सारे ऐसे कोर्स बताए हैं जिसको नॉलेज नहीं रहता है, बच्चों को ज्ञान नहीं रहता है कि किस फील्ड में जाए, तो हमारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम का करने का मतलब यही था कि बच्चों तक जो नॉलेज ना हो उस नॉलेज को पहुंचाना और ताकि वो अपने भविष्य को संवार सके। तो मैं सर जानना चाहूंगा, मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस में जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज है सर? क्योंकि सर अभी देखा जाता है कि जो टैलेंट होता है, सभी में टैलेंट होता है, लेकिन जिनके पास टैलेंट होते हुए भी वो उस चीज पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस उन बच्चों को किस मुकाम तक मदद पहुंचा सकता है? ठीक, हम इसके में थोड़ा बैक से जाएंगे। रवि जी आपको बताएं हम कि मैं 2009 से यहाँ पे शिक्षा में काम करता हूँ, ये अलग बात है कि मैं विदेश में था लेकिन तब भी मैं यहाँ से जुड़ा हुआ था। आपको बताएं कि बिहार अंजुमन के थ्रू जो है बहुत सारे रबर कोचिंग बिहार और झारखंड में चलते हैं, इसमें दरभंगा एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 4 रबर कोचिंग चलता है। आप बताएं ये 4 रबर कोचिंग दरभंगा टाउन में 2009 में खुला था, देन हायाघाट में रबर कोचिंग चलता है, बिरदीपुर में रबर कोचिंग सेंटर चलता है, मल्लिकपुर जाले में रबर कोचिंग सेंटर चलता है और यहाँ क्लास 8th 9th 10th के बच्चों को फ्री क्लास दी जाती है, फ्री ट्यूशन दी जाती है, इवन उनके जो मंथली अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम होता है तो उन बच्चों को अप्रिशिएट भी किया जाता है, उनको मेडल्स भी दिए जाते हैं, उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया जाता है ताकि बच्चे जो अपनी कॉपी कलम किताब खरीद सकें। आफ्टर दैट जब वो मैट्रिक कंप्लीट करते हैं तो ऐसे बच्चों को जो है 2016 से जो है हम लोगों ने जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग मानव में करने की कोशिश किया एडमिशन 2016 से, अब तक हम लगता है कि हजारों बच्चे जो है हमारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग मानव में कर रहे होंगे या कर चुके होंगे जिनका 3 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा। इससे थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग जब 2018 में आप जनवरी में मैं इंडिया शिफ्ट किया तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खोला था और वहाँ पे जो है बच्चे जो हम लोग 15 बच्चे को लिया था, इस 15 बच्चे से हम लोगों ने 1 पैसे भी नहीं लिए थे और उन बच्चों को पता ये पैसे कहाँ से आते, आप कहते बच्चों को पता था। हमारे जैसे आपके जैसे समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे बगल का बच्चा, हमारे सामने का बच्चा वो जो है पढ़ के कुछ बन जाए, उनको सपोर्ट स्पॉन्सर कराते हैं, हम उनको कहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं। रवि जी हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कभी ऐसा आएगा कि आप भी जो है हमारे किसी एक बच्चे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, ये पढ़ना चाहता आप इनको सपोर्ट कर दें, इनको हम भी सपोर्ट करेंगे, वो बच्चों को भी सपोर्ट करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट भी उनको सपोर्ट करेगा, आपके स्पॉन्सर से वो बच्चा जो है वो अपना फ्यूचर बना सकता है। तो 2018 में हमने 15 बच्चों को लिया था, 2019 में हमने 15 बच्चों को लिया, 2020 में 15 बच्चों को लिया और 2021 में हमने जो है 23 बच्चों को लिया अभी तक, और जो है वो इस तरह से हम लोग जो है बच्चों को स्पॉन्सर करवाते हैं, सपोर्ट करवाते हैं। और इसी दरभंगा में हमारे दरभंगा में बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे जो कैपेबल हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, हमारे बहुत अच्छे जानने वालों में से हैं, उनको कहते हैं तो वो तो आगे बढ़ के खड़े होते हैं और कराते हैं। तो हम लोग अब जिनके पास पैसे हैं और जिनके पास पैसे नहीं है उन दोनों को मिलाने का भी कड़ी का काम करते हैं ताकि किसी के पैसे से किसी की जिंदगी बन जाए, तो वो देखिए पैसे से जिंदगी नहीं बन जाने के बाद वो दुआ जरूर देते हो कि फैमिली जनरेशन दर जनरेशन एक रिक्शा वाले का बच्चा, एक जिसका बाप
चिकन काटता हो जो दुकान के अंदर, जिसका बाप सिलाई का काम करता हो, जिसके फादर जो है टेलर का काम करते, जिसका फादर रिक्शा चलाते ठेला चलाते, उसके बच्चों को अगर हम पारा मेडिकल सेक्टर में या सेफ्टी सेक्टर में या एमबीए सेक्टर में हम कुछ बना देते हैं, कल को वो कहीं पे भी खड़ा होगा गर्व के साथ कहेगा कि हमको फलां ने पढ़ाया था, आज हमें उसके बोलने के, उसके रहने के, उसके खाने के, उसके पीने के, उसके चलने के, और उसके जनरेशन जनरेशन उसकी लाइफ की जो है सेटल्ड कर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा चैनल होता है, कोशिश होती है कि हम लोगों को मिलाने, एक दूसरे से बात कराने की कोशिश करते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं, गल्फ कंट्री में भी हैं, वेस्टर्न कंट्री में भी हैं, उन लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं पढ़े समाज को, उनकी थिंकिंग होती है कि हम यहाँ अगर 2 रुपया कमा रहे हैं, 2 रुपये काट के हम 50 पैसा इंडिया में अपने बच्चों को, समाज के बच्चों को जो हम दे के अगर पढ़वा देते हैं, तो वो डेवलपमेंट कराना चाहते हैं और एजुकेशन में, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं। सर इतने सारी बातें तो हम लोग कर लिए, लेकिन मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस का दरभंगा में कहाँ स्थापित है और कहाँ ब्रांच है, ये भी बच्चों को आप बता दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम बताएं आपको सबसे पहले कि मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस 2 जगह दरभंगा में है। इसका जो ब्रांच ऑफिस है सीएम साइंस कॉलेज के पास टाउन हॉल के पूर्व साइड में मोइन कम्प्लेक्स है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे ये शिफ्ट है, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर पे है, ठीक है। और इसका हेड ऑफिस जो है वो अल हिलाल हॉस्पिटल दरभंगा में डॉन बॉस्को स्कूल के पास है, वहाँ पे इसकी हेड ऑफिस है। हम बताना चाहेंगे कि मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस ही क्यों? नहीं, बिल्कुल मेरा प्रश्न भी था सर कि आखिर मिथिला में सर्वश्रेष्ठ है तो आखिर बच्चे मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस ही क्यों चुने? देखिए आप जानते होंगे, जैसे आपके चैनल को चलाने के लिए भी 3-4-5-7 लोग की टीम होगी, तो किसी भी सोसाइटी कॉलेज को, इंस्टीट्यूशंस को, इवन के घर को भी चलाने में घर के लोग मेंबर होते हैं, तो इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए टीम होती है। जो हमारी टीम है वो मैक्सी माइंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसकी हेड ऑफिस हमारी दिल्ली में है जी। उस टीम के जो चेयरमैन हैं उनके से पहले हम उनके फादर के बारे में बताना चाहें कि हमारे उस कंपनी में जो है डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब के बड़े बेटा डॉक्टर अहमद नसीम आरजू हैं, जो कंपनी के चेयरमैन हैं, और इनके साथ बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सबसे बड़ी खूबी यह है कि सब एजुकेशनिस्ट हैं और सब लोकल हैं, कोई भी बाहर के नहीं, किसी जगह से आके यहाँ नहीं खोले, सब लोग यहीं के लोग हैं। इनका मकसद है कि हम शिक्षा को समाज के अंदर बहुत बढ़ावा दें, पैसा कमाना मकसद नहीं है, पैसा कमाने के लिए सब लोग अपने अपने जॉब में है, ठीक है, समझ गए। तो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके अंदर जो है डॉक्टर्स भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, आईटी से भी हैं, कंपनी सेक्रेटरी से भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि हम भाई एडवोकेट्स हैं, ठीक है, तो सारे फील्ड्स के लोग हैं हमारे इस कंपनी में, लोकल से भी हैं। और इस टीम को जो चला रहे हैं वो डॉक्टर अहमद नसीम आरजू, जो एक मशहूर शख्सियत है मिथिलांचल में, जिनके फादर भी डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब, एक बहुत मशहूर शख्सियत गुजरे हैं, यहाँ के रिनोड सर्जन गुजरे हैं, और पूरी टीम डॉक्टर साहब की, अपनी फैमिली भी पूरी वो डॉक्टर्स ही से है, और हमने खोला ही था डॉक्टर के साथ काम करने वाला है वो, इसलिए कि इनके नेतृत्व में, इनके निगरानी में, इनके गार्जियनशिप में जो चल रहा है डेवलपमेंट कर रहा है। हम आपको बताएं कि हमारे यहाँ जो से का ये 3रा साल चल रहा है, और हमारे जो है जो फर्स्ट बैच जो बच्चे जो निकले हैं उसमें से अबव 30% स्टूडेंट जो हमारे इंटर्नशिप के ड्यूरिंग दौरान ही जो है जॉब हासिल कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है हमारे पास कि अभी बेस्ट बच्चे जो हमारी अभी इंटर्नशिप चल रहा है उनका, ठीक है। दूसरी खूबी हमारे साथ ये है कि हमारे पास शायद नॉर्थ बिहार में पहला इंस्टीट्यूट होगा जहां पे एट ए टाइम 16 शहर के, दरभंगा शहर के बड़े बड़े ब्रांडेड जो है हॉस्पिटलाइजेशन है, हॉस्पिटल हैं जिनके साथ हमारे टाई अप है, जहां बच्चे हमारे इंटर्नशिप करते हैं, शहर का बहुत बड़ा, जिसका भी नाम आप गिनेंगे, चाहे वो सिटी हॉस्पिटल हो, रॉयल हॉस्पिटल हो, चाहे वो अल हिलाल हॉस्पिटल हो, RNA हॉस्पिटल हो, लिवर एंड गैस्ट्रो हॉस्पिटल है, दरभंगा अल्ट्रासाउंड है, दरभंगा रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, इस तरह से डिफरेंट बहुत सारे रेडिएंट इमेजिंग है, बहुत और भी डायग्नोस्टिक सेंटर है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है जहां हमारे ब्रांडेड लोग हैं, जहां हमारे पारस है, आपको प्राइम टाइम है, यूरोस्टैंड है, इन सब जगह हमारे बच्चे इंटर्नशिप फर्स्ट बैच की भी किए हैं, सेकंड बैच की भी कर रहे हैं, और इन सभी जगह बच्चे हमारे, बहुत सारी जगह, इसमें से मैक्सिमम जगह हमारे बच्चे जो है इंटर्नशिप के दौरान ही जो है जॉब हासिल करके जॉब कर रहे हैं, रेस्ट बच्चे भी कर रहे हैं, ठीक है। सर बात करें तो कोर्सेस तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मेक्स मैन परफेक्ट, तो अगर आप जो कोर्स कर लेते हैं अगर आप प्रैक्टिकल नहीं किए रहिएगा उस चीज पे, तो आप परफेक्ट कैसे बनिएगा? तो मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चों को प्रैक्टिकल
करवाने के लिए और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए क्या व्यवस्था रखी है? सर हम आपको बताएं कि हमारे पास खुद का अपना प्रैक्टिकल लैब है। हमारे यहाँ बच्चे एडमिशन लेने के बाद क्लास थ्योरी क्लास हमारे यहाँ खुद का होता है, प्रैक्टिकल हमारे यहाँ खुद का होता है। आफ्टर थ्री ईयर कोर्स जो आफ्टर ड्यू टू ईयर कोर्स जब एग्जामिनेशन के बाद इंटर्नशिप होता है, जो 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, जो हमने अभी आपको बताया कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ बच्चे इंटर्नशिप करते हैं। हम आपको बताएं कि ड्यूरिंग द मतलब क्लास प्रैक्टिकल थ्योरी जो 3 साल का जो ड्यूरेशन है, 2 ईयर्स का 3 ईयर्स का, इसी पीरियड में हम एवरी डे बच्चों को कोशिश करते हैं, हम सेक्टर बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। अगर हम सपोज डेट हमारे यहाँ MLT में 25 बच्चे हैं, सपोज डेट हमारे यहाँ OT में 50 बच्चे हैं, सपोज डेट रेडियोलॉजी हमारे पास 100 बच्चे हैं, तो हम उन बच्चों का सेक्टर 3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे का ग्रुप बनाते हैं। 2 घंटा हमारे बच्चे जो है डिफरेंट हॉस्पिटल में, रॉयल हॉस्पिटल में, जो रॉयल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में, अलहलाल हॉस्पिटल में, और भी डायग्नोसिस सेंटर में, यूरो स्टोन में, इन सब जगह जो है बच्चे हमारे जाते हैं। यानी कि हमारे यहाँ थ्योरी भी चलता है एट ए टाइम, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल भी चलता है। इसके अलावा जब दो घंटा का हम निकाल के करते हैं आप अभी से, अब होता क्या सर, आप जानते होंगे प्रैक्टिकल में हम जो भी चीज कराएंगे वो डमी पे कराएंगे। जी जी, हमारे यहाँ तो पेशेंट नहीं आएगा, पेशेंट तो हॉस्पिटल में जाएगा ना। जी बिल्कुल, पेशेंट ऑफिस, और जो बच्चे हमारे यहाँ कोर्स कंप्लीट करके निकले वो काम कहाँ करेंगे? डमी पे तो नहीं करेंगे, काम करेंगे पेशेंट के साथ, इंसान के साथ, मानव के साथ। तो वो उनको फ्रॉम द फर्स्ट डे जो है हॉस्पिटल से उनको मिलता है ये चीज, तो वो वहां देखते हैं। एक बच्चे को अपने डमी बताया किस तरह से आप नीडल देने में, नीडल जो है डालना है, किस तरह से आप ब्लड को सक करना है, किस तरह से आप यूरिन को चेक करना है, किस तरह से आप इसको वेन को चीरना है, किस तरीके से आप चीज देना है, तो हमारे डमी पे तो बताया गया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कैसे करेगा? जब उसको सीखा कैसे, सीखा कैसे वहां, जब वो वहां काम करेगा, जब वहां देखे डॉक्टर कैसे काम करे, जब वो देखे वहां के एनेस्थीसिया के डॉक्टर कैसे काम करे, जब वहां देखे कि कैसे प्लास्टर होता है, जब वहां देखे कैसे पैथोलॉजी जो ब्लड को सक करता है, कैसे TCDCSR ब्लड यूरिन स्टूल कल्चर वगैरह का जांच होता है, तो वहां सीखेगा। तो अब आप सोचें कि अगर 6 महीना हम बच्चों को इंटर्नशिप कराते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, वही बच्चा जो है 3 महीना तक जो है 2 दिन एवरी डे के हिसाब से या हफ्ते में 3 दिन के हिसाब से अगर वो काम करता है, तो महीना का कितना दिन हो गया और साल का कितना दिन हो गया, 3 साल का कितना हो गया। बिल्कुल, जो चीज वो इंटर्नशिप पे सीखा उसको तो हम पहले से सिखला रहे हैं। यही खूबी तो है मिथिला इंस्टीट्यूट के साथ, जो खूबी कहीं नहीं मिलेगा। आप उत्तर बिहार के शायद कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जहां कोई डायरेक्ट जो है वो आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे पेशेंट के साथ। हमारे यही चीज खूबी है। और दूसरी चीज, हमारे डॉक्टर जो हमारी निगरानी में, डॉक्टर की निगरानी में हम काम कराते हैं बच्चों को शुरू से। एक आप भी खुद रवि जी जब किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो सर 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 करते होंगे, लाइन लगे होते हैं, नंबर आता है, वेट आता, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा 3 घंटा वेट करना पड़ता है। लेकिन वही बच्चे जो भी इंटर पास करके आज हमारे एडमिशन ले हैं, वो बच्चों को हम फ्रॉम द फर्स्ट डे जो है डॉक्टर के साथ हम जो इंटरेक्शन कराते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर की बात सुनते हैं, डॉक्टर से उनको डे टू डे टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर्स के हमारे यहाँ सेमिनार हमेशा होते रहते हैं। आप भी हमारे बहुत सेमिनार में आए होंगे, आप देखा होगा शहर के बहुत सारे ब्रांडेड डॉक्टर जो हमारे यहाँ आ चुके हैं, चाहे वो डॉक्टर इंतखाब हो, चाहे वो डॉक्टर सदुल सपून हो, चाहे डॉक्टर एहसन हमीदी हो, चाहे डॉक्टर अशरफ अली हो, डॉक्टर चंदन कुमार हैं, डॉक्टर अहमद नसीम आरजू साहब तो खैर हमेशा हर प्रोग्राम में आते हैं, बहुत सारे जो है वो पैथोलॉजिस्ट भी आ चुके हैं हमारे यहाँ। तो डॉक्टर के हमारे डॉक्टर रिजवान हैदर आ चुके हैं, डॉक्टर आशीष शेखर हमारे आ चुके हैं, डॉक्टर अजय सलमान हमारे आ चुके हैं, डॉक्टर अजीत चौधरी हमारे आ चुके हैं। ये सब ब्रांडेड नाम है शहर के जो हमारे यहाँ आते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को बताते हैं, समझे? तो ये हमारी ये खूबी है, जो खूबी हमारे उत्तर बिहार में, आप मिथिलांचल में हमको कह के कम आ करें, हम उत्तर बिहार की बात करते हैं, उत्तर बिहार में हमारे बराबर में जो है शायद कोई सिचुएशन को जो हमें कंपटीशन दे सकता है। बहुत अच्छी बातें सर ने आज बताया है, और शिक्षा संवाद के माध्यम से आप सोच सकते हैं कि जो दरभंगा में कॉलेज है और आपको नॉलेज नहीं है कि इस कॉलेज में क्या क्या बातें होती है। सबसे बड़ा पॉइंट सर ने बताया है कि सर यहाँ इनके कॉलेज में लगातार बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसको करके आप कैरियर भी बना सकते हैं, और दरभंगा के तमाम नामचीन चेहरे डॉक्टर वगैरह सभी को आकर करके यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं। बहुत अच्छी बात मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस ने बताई है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो भी किस तरीके से इसमें आकर के एडमिशन ले सकते हैं, इसका भी रास्ता सर ने साफ कर दिया है। तो मैं तो बोलूंगा कि जल्दी जल्दी पहुंचिए मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, और अपना कैरियर में अपना रंग डालिए और बढ़िए जीवन में। इसी तरीके से हम कल भी नए शिक्षक के साथ 12वीं के बच्चों को लेकर के, आगामी उनका एग्जाम है उनको लेकर के दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षकों के साथ हम संवाद करेंगे। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे। मैं अधिवक्ता डॉक्टर शाहिद अथर साहब का धन्यवाद कहना चाहूंगा
कि सर आए और हमें अमूल्य टाइम दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।